तुमने जो सोची है सूर्य और अनु का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। चल सूर्य और अनु की दोनों बार बार एक ही रास्ते पर आ रहे होते हैं और सूर्य ईगो की वजह से पूछ नहीं रहा होता, किसी से हेल्प नहीं ले रहा होता है और वो कहती है कि ईगो से बेटर तो है ना किसी से हेल्प ही ले ले। वहीं दूसरी तरफ सूर्य के पापा यानी शान पहुंचते हैं आस्था के पास में उसे सरप्राइज देने और बुके और खाना लेकर पहुंचते हैं और कहते कि हम एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अभी इस रिश्ते को नई शुरुआत दे सकते हैं। लेकिन आस्था नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और वो कहता है कि एज ए फ्रेंड तो हम साथ रह ही सकते हैं ना, तलाक तो सिर्फ पेपर्स पे हुआ है। और वो खाना भी साथ लेकर आया है और उसके साथ मजा करता हुआ नजर आता है और वो आस्था उसके लिए मना नहीं करती और उसे अंदर ले आती है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और शान कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें अभी भी घर वैसे ही डेकोरेट करती हो जैसे तुम पहले करती थी। और अब देखो इसके बाद वहाँ पर वो दोनों शौर्य के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर शौर्य और अनु की बार बार एक ही रास्ते पर आ रहे थे और शौर्य कहता है इस बार लास्ट ट्राई करते हैं, मिले वो लास्ट बार भी वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरी तरफ सभी घर वाले पार्टी करते हुए नजर आते हैं, किट्टी और बेबू दोनों ही यहाँ पर घर वालों के साथ में डांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी माँ बार किशोरी को कॉल लगा रही होती है और वैसे किसी कुछ भी नहीं आ रहा होता तो वो बहुत ही टेंशन में नजर आती है। इसके बाद में बड़े पापा कहते हैं कि ये दोनों गायब कहाँ हो गए, कहीं ये तो नहीं कि वो भूल गए कि डिनर पे भी जाना है। तो वो कहती कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता। और इसके बाद में आलोक उसका मजाक बनाते हुए नजर आता है कि बाराती तो डांस कर करके परेशान ही हो गए लेकिन आपके दोनों दूल्हे और उसके पापा कहाँ हैं। और इसके बाद में कहता है कि तुम दो बेटी, वहाँ पर वो उसको डांट देती है और कहती है कि तुम दो बेटियों के बाप हो, तुम्हें समझ नहीं आता किस तरह से क्या बात करनी चाहिए। तो वहीं शौर्य और अनोखी के बीच में काफ़ी क्यूट मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और शौर्य उसे खाने के लिए प्रोटीन बार देता है और वहाँ पर कहता है कि वादा करो तुम मुझसे कि कभी भी कॉलेज छोड़कर नहीं जाओगी क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शौर्य से शान से आस्था कहती है कि मुझे वो लगता है कि शौर्य अब अनोखी को पसंद करने लगा है, जिस तरह से वो दो तीन दिन से परेशान है मुझे उसको साफ नजर आ रहा है। लेकिन शान कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं नहीं चाहता इन दोनों का रिश्ता हो क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस तरह से तुम्हारे साथ उस घर में हुआ वैसा ही अनोखी के साथ भी हो। और शौर्य को कभी भी वैसी लड़की तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन फिर भी आस्था कहती है कि मुझे लगता है कि वो पसंद करने लगे हैं एक दूसरे को और देखो हमने कितना समझाने की कोशिश करी लेकिन अनोखी ने सिर्फ शौर्य की ही बात मानी और वो वापस आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कंचन अपनी सास से बात कर रही होती है कि अभी तक आए नहीं, पता नहीं फोन भी बंद आ रहा है। तो दूसरी तरफ ही वहाँ पर वो देवी सुन लेती है और वो शॉक्ड हो जाती है कि शौर्य से माफ़ी मांगने गए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर शौर्य अब मदद मांगने के लिए गाड़ी से उतरता है और नकी कहते हैं कि आप ऐसा करिए यहाँ पर अपना ईगो ये सब कुछ ना यहीं छोड़ कर जाइए। और वो स्माइल करने लगता है और अनोखी उसका एक शॉर्ट नेम निकालती है पीएस, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है कि पीएस नहीं कुछ और नाम ढूंढो तब तक मैं किसी की हेल्प लेकर आता हूँ। कल दिखाया जाएगा कि अनोखी वापस कॉलेज पहुंचती और उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है शौर्य से तुझे पसंद करने लगे हैं, यू आर लकी गर्ल। और दूसरी तरफ यहाँ पर देवी शौर्य से वादा ले लेती कि तुम ये वादा करो और मैं कभी ना कभी ये वादा पूरा करोगे जरूर और वो वादा कर देता है। देखना इंटरेस्टिंग है कि शौर्य और अनोखी की आगे कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है।